So, good afternoon, friends. We are into this unit number 5 after very successfully completing our unit number 4. All the units, that is 1 to 4, they give you the line of the thinking, line of the direction regarding the sewage, the sewerage system, their construction, their appurtenances, their properties, and later on their treatments. Okay. To some extent, may not be 100%, but to some extent, maximum of you must have got the idea. As I request you again and again, that from the academics point of view, means from getting the marks in exam in your competitive and the GATE, etc. You must study these subjects, but as well as such subjects are also helpful for increasing or enlightening your social views also. ठीक है, पढ़ते पढ़ते हमने हमारे करियर से तो पढ़ना ही चाहिए, समझना चाहिए हर एक सब्जेक्ट, लेकिन उसके साथ में कहीं तो भी इसका हमारे समाज के साथ से भी, हमारा समाज है ना जहाँ हम रहते हैं आजू बाजू, नॉट रिलेटेड टू एनी रिलीजन और द कास्ट, उससे भी इसका कुछ लेना देना है या हम कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं. ठीक है, चलो, वेरी गुड. विद दिस लेट अस मूव टू द सब्जेक्ट विच कंटेन्स द रूरल सैनिटेशन एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, अगेन टू अंडरस्टैंड यू द सब्जेक्ट, आपको वो सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मजा आना चाहिए, बोर भी नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं कुछ फोटोग्राफ्स हरदम जोड़ता हूँ जो कहीं ना कहीं तो भी आपने देखे होंगे, है ना. ये फोटो में शुरू में आपको लेफ्ट साइड में एक टॉयलेट दिखेगा, हमारे कहीं तो भी गाँव में ऐसे रहते हैं, हमारे घर जो रहते हैं बाहर, घरों के बाहर जो टॉयलेट रहते हैं या कहीं लग के रहते हैं ना, जनरली इन आवर विलेजेस, हमारे शहर जैसे घर के अंदर टॉयलेट नहीं रखते हैं, बाहर रखते हैं थोड़े पीछे में, तो ये वैसे ही रहा, बीच में दिखेगा उसको अटैच सोक पिट वगैरह है, हम सब पढ़ने वाले हैं. और राइट साइड में एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का फोटोग्राफ बताया. ठीक है, आप भी वेन एवर यू गो ऑन द नेट, प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट सच पिक्चर्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. द सिलेबस वी हैव रूरल सैनिटेशन, फिर से वेरियस टाइप्स ऑफ द टॉयलेट्स, दीज आर द प्राइवीज जो बताए हैं, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड प्राइवेट और द प्राइवेसी, तो पिट प्राइवी, एक्वा प्राइवी, एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द टॉयलेट्स दैट आर बीइंग टॉट हियर फॉर द रूरल सैनिटेशन. देन सेप्टिक टैंक, अगेन द टाइप ऑफ द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड, इट इज लाइक ए स्लज डाइजेशन टैंक. अभी हमने जो पढ़ा है ना, हमारे खेड़ों में अभी भी वाटर कैरियर सिस्टम नहीं है ना. अगेन मैंने बोला कहीं तो भी इट इज दी ड्रॉबैक ऑफ अवर सम प्लानिंग इन अवर द पास्ट. सो अभी भी इंडिविजुअल ट्रीटमेंट है, सीवेज या जो हमारे घर का ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो कलेक्ट किया जाता है, तो वो सेप्टिक टैंक है उसके लिए, और उसको सोक पिट वगैरह इसका हमारे को पढ़ाई में है, और इसका डिजाइन वगैरह है, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, इंक्लूडिंग डिजाइन प्रॉब्लम है सिलेबस में बोला ही है एज पर रिलेवेंट आईएस कोड. सलेज कलेक्शन एंड डिस्पोजल, है ना, सबको मालूम है व्हाट इज सलेज, वी हैव लर्नड, दिस इज द वन पार्ट और वन कंप्लीट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस. एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट बहुत सारा नहीं है हमें, वी हैव द ओनली वेरी बेसिक्स, सो दैट वी शुड हैव दैट अंडरस्टैंडिंग कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को क्या ट्रीटमेंट देते हैं. सो दैट इज देयर इन योर सिलेबस, सिग्निफिकेंस, ट्रीटमेंट मेथड्स, फिजिकल, केमिकल, यूनिट ऑपरेशंस, इक्वलाइजेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट अस मूव इन टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रिगार्डिंग द रूरल सैनिटेशन. फिर से मैं आपको आई विल ट्राई टू टेल यू, रूरल मीन्स हमारा जो खेड़े का जो भाग है, जो हमारे विलेजेस वगैरह है, दोज आर कॉल्ड एज द रूरल एरिया. सो रूरल एरिया और विलेजेस में वी हैव
वी डोंट हैव, मोस्टली वी हैव अनसीवर्ड और वी डोंट हैव द वाटर कैरेज सिस्टम. व्हाई? बिकॉज द इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई. वी स्टिल डोंट हैव द सफिशियंट वाटर फॉर द फ्लशिंग और द ड्रेनेज ऑफ द सीवेज. इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई. द पॉपुलेशन इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड. यानी अभी है ऐसे धीरे धीरे खेड़े में एक जगह पे सब घर बन रहे हैं, लेकिन पहले जब था तब एक घर एक जगह, दूसरा घर थोड़ा सा दूर, तीसरा दूर, तो इसलिए थोड़ा उसके लिए कन्वीनियंस नहीं होता था. सो देयर फॉर द कॉन्जर्वेंसी सिस्टम वॉज एडॉप्टेड. हमने शुरू में ही पढ़ा वॉट इज द कॉन्जर्वेंसी सिस्टम एंड वॉट इज द वॉटर कैरियर सिस्टम. द सलेज वाटर, दैट इज द वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन्स, बाथरूम्स एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड एज द सलेज. है ना, अभी भी खेड़े में हमने देखा तो इज लेफ्ट डायरेक्टली इन टू द स्ट्रीट्स. ये एक तो रोड के ऊपर आ जाता है या रोड के बाजू में जो भी नाली है, ओपन ड्रेन, उसमें से जाता है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोस. यानी मक्खिया और मच्छर का उत्पादन केंद्र है ये, रोड के ऊपर जो गंदा पानी बोलो या हमारे बाथरूम में से या हमारे किचन का जो वेस्ट है वो आता है. इन एब्सेंस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द लैटरिन्स, है ना, लैटरिन और टॉयलेट अभी धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ दोज लैटरिन्स, डिफिकेशन, डिफिकेशन है ना टॉयलेट या संडास, डिफिकेशन इन ओपन ग्राउंड इज प्रैक्टिस्ड. है ना, खुले में जाते हैं, डिफिकेशन इज डन इन ओपन ग्राउंड. खुले में है ना, कहीं तो भी गांव के बाहर वगैरह, किसी के खेती में वगैरह, इट इज डन डिफिकेशन, टॉयलेट इज डन, विच रिजल्ट्स इन द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. ये क्या होता है कि ये हमें तो ठीक लगता है कहीं तो भी, लेकिन ये बरसात में वगैरह ये स्प्रेड होता है सब, ह्यूमन एक्सक्रीटा विच इज डिपॉजिटेड आउटसाइड द विलेज, एट द बाउंड्री ऑफ द विलेज, ऑन द रोड साइड. है ना, प्लीज ब्रिंग द, प्लीज विजुअलाइज द थिंग्स विच मे ऑकर इन सर्टन विलेजेस. सभी में होता ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे जगह पे हमें दिखता है. Therefore, that results in the formation of the pathogenic bacteria, which results in the various diseases like the cholera, typhoid, jaundice, thriving on fecal matter. Fecal matter यानी human excreta, night soil जिसको बोलते हैं, that is called as the fecal matter. Spread epidemics, spread the epidemics. Epidemic यानी वो area में फैलने वाला disease. अभी क्या चालू है, कोरोना, इसको पैंडेमिक बोलते हैं. एपिडेमिक इज लिमिटेड टू एरिया, एंड पैंडेमिक जिसको बोलते हैं, कोरोना का पैंडेमिक है ना अभी, व्हेन सच एपिडेमिक ऑकर्स ऑन मैक्सिमम एरिया ऑन द होल कंट्री और फॉर द होल वर्ल्ड, देन इट इज कॉल्ड एज द पैंडेमिक. है ना, जस्ट अभी अपन वो सब्जेक्ट में है तो एक जनरल नॉलेज और बढ़ा लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एपिडेमिक एंड पैंडेमिक. So therefore the rural sanitation consists of the, फिर rural sanitation अच्छा तो होना चाहिए ना, खेड़े में तो हमारी 80% population रहती है. Our whole India is dependent on the agriculture. Unfortunately that agriculture is given less importance. Unfortunately, again no politics, nothing is there. But you are the young people now. We all come from the urban as well as maximum of us are from the rural area. So we must work for that. Either anyway, as an engineer or maybe as a social worker. Or maybe somebody may go into politics. So the rural sanitization is very important. And the government is though doing the work, but lot of the work is yet to be done. Aap sabko malum hai. Consist of the efficient collection. फिर से अब इसको टेक्निकल इसमें हमें करना है, साइंटिफिक मेथड से we have to do the rural sanitation. भगवान भरोसे नहीं करना है, समझे, इसलिए थोड़ा समझ लेते हैं. So consist of the efficient collection, removal and disposal of the night soil.
दैट इज द ह्यूमन एक्सक्रीटा और द फीकल मैटर फ्रॉम द प्राइवीज दैट इज द टॉयलेट्स और द लैटरिन्स ऑन द कॉन्जर्वेंसी सिस्टम सलेज अगेन सलेज कंसिस्ट ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द टॉयलेट फ्रॉम द किचन फ्रॉम द बाथरूम्स एंड ऑल्सो यूरिन एंड एब्ल्यूशन वाटर यानी अदर देन ह्यूमन एक्सक्रीटर जो भी पानी है टॉयलेट से प्रीवीज प्रीवीज यानी टॉयलेट्स अगेन लैटरिन्स एंड ऑल रिफ्यूज सॉलिड मैटर है ना खेड़े में है इसलिए उसमें कोई सॉलिड वेस्ट रहता नहीं है ऐसा नहीं घर में का कचरा रहता है कागज है बोरे है बहुत सारा वेस्टेज है आजकल जितना शहर गंदगी तैयार करता है उससे ज्यादा अभी खेड़े में होता है प्लास्टिक के का कप कागज है पाकिट है ना तंबाकू के ये है पाउचेस और बाकी क्या है आप सबको मालूम है सो द रिफ्यूज सॉलिड मैटर विच इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द अर्बन सैनिटाइजेशन आल्सो सो रूरल सैनिटेशन कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग फोर इसेंशियल्स प्रोविजन ऑफ द सेफ एंड पोटेबल वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पजेस पहला सभी लोगों को उनको पीने का अच्छा पानी मिलना चाहिए उसके बारे में हम अभी हो रहे स्वयं पूर्ण हो रहे ऑलमोस्ट ऑल ओवर विलेजेस गेट्स दी आई थिंक मैं जितना जानता हूँ तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए पीने का पानी मिलता है हर गांव में मैक्सिमम इसमें बट कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द ड्राई रिफ्यूज डज नॉट टेक प्लेस कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द सलेज ये होता है नाली में से जाता है ओपन ड्रेन में से क्लोज पाइप अभी भी नहीं है तो उसके कारण फिर से वो मच्छर और मक्खियां होते ही है बरसात में वगैरह एंड डिस्पोजल ऑफ द एक्सक्रीटल वेस्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा फीकल मैटर ये सबसे जो डेंजरस वेस्ट है इसका डिस्पोजल प्रॉपर सो द रूरल सैनिटेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दिस मैटर्स ठीक है एज वी आर लर्निंग दिस सब्जेक्ट स्लोली ऑल्सो लर्न फ्रॉम द अवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि एखादे बार क्वेश्चन आया कि व्हाट इज रूरल सैनिटेशन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट डज इट कंप्राइजेस ऑफ सो वी शुड बी एबल टू मेंशन एटलीस्ट दिस फोर पॉइंट्स अपने इससे कुछ और लिख सके तो इट्स वेरी गुड बट वी आवर मेन इंटरेस्ट इज अदर देन ऑल दोस फोर पॉइंट्स द लास्ट पॉइंट दैट इज डिस्पोजल ऑफ द एक्सक्रीटल वेस्ट क्योंकि अभी भी हमारे रूरल एरिया में ये जो एक्सक्रीटल वेस्ट है The waste from the human is the problem. The excretal waste collection and disposal manually is now outdated in the India. है ना मैंने आपको बोला कि जो conservancy system मैंने अपने बचपन में देखा, the manually the all this waste from the human is being collected and is being thrown with the help of the bullock cart or for the tankers etc. outside the city so it is now outdated it is not at all exist in our country it is a inhuman and is now outdated hota tha lekin ye I have seen by my eyes the best method is to construct any type of the privy privy word kahan se aaya fir private se so private yani jahan pe hum alag se baithte hai separate hai so therefore it is called as the privy or privy any pronunciation you can do privy or privy or latrine privy means latrine or the toilet hum jisko bolte hai or water closet hum civil engineer wc bolte hai water closet which can dispose of without the help of the water carriage system बिना पानी का वापर करते हुए ये human excreta कैसे हम dispose of कर सकते हैं So for that purpose, the soak pits are used for the individual houses. हर घर को एक एक हम संडास देंगे टॉयलेट देंगे और उसमें soak pit provide करेंगे ऐसा कहने का मतलब है The excretal waste as well as the sludge from the bathroom, kitchen, etc. is laid directly into soak pit. यही soak pit में बाकी भी जो हमारे घर का sludge है जो bathroom और kitchen से निकलता है वो भी इसमें हम we will deposit it. 3 meter diameter, 3 meter to 5 meter depth. We will be learning about the soak pit in detail. ठीक है मैंने जैसे बोला this is a part of our
कंसल्टेंसी ऑल्सो लेटर ऑन इफ सम ऑफ यू मे गो डिजाइन ऑफ द प्राइवीज एंड द सोक पिट्स एक्सेट्रा. सोक पिट इज कंस्ट्रक्टेड ऑफ द मैसनरी वॉल्स विथ ओपन जॉइंट्स एंड आर कवर्ड एट द टॉप बाय द रिजिड स्टोन और द कॉन्क्रीट स्लैब. मैन होल जैसा रहता है सोक पिट, तो उसको ऊपर से कॉन्क्रीट स्लैब या किसी पत्थर से वगैरह क्लोज कर सकते हैं, या आज आप मैन होल के जैसा रहता है वो साइज का मैन होल कवर भी प्रोवाइड किया था, इट इज वेल एंड गुड. नाइट सॉइल डिस्पोजल और द ह्यूमन एक्सक्रीटा डिस्पोजल और द फीकल मैटर डिस्पोजल विदाउट वाटर कैरियर सिस्टम फॉलोइंग आर द जनरल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फुल प्रीवी ऑफ द गुड प्रीवी प्राइवी और द प्रीवी और द टॉयलेट और लैटरिन. अच्छे टॉयलेट से, अब फिर से ये दिस इज फॉर द रूरल विलेजेस में क्या अपेक्षा है. आज तो इससे भी अच्छे वैसे गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, पानी भी मिल रहा है, लेकिन इफ इट इज विदाउट द वाटर कैरियर सिस्टम व्हाट शुड बी डन. इट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम द बिल्डिंग. घर जो है हमारा उससे थोड़ा बाहर रहे. ऑन द लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड यानी जिस साइड में हवा बहती है, यानी हवा बहते हुए उसके कारण है ना, कोई तो भी आया है लेकिन कहाँ है. यानी जो साइड में हवा बहती है उसको लीवर्ड साइड करके कहते हैं, है ना, नया वर्ड आ गया है. यानी जो बाहर जो हवा जाती है जिस साइड में हवा बहती है वो साइड में संडास बांधेंगे तो उसका बास घर में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा कहने का मतलब है. तो लीवर्ड साइड, इट्स फ्लोर शुड बी एटलीस्ट 1.2 मीटर अबो द ग्राउंड लेवल. जमीन जो है उससे 1 या 1.2 मीटर ऊपर रहना चाहिए, है ना. बरसात का पानी वगैरह अंदर नहीं आना चाहिए, या वहां का पानी बाहर भी आके सॉइल कोई ये नॉर्मल ही टॉयलेट है हम जैसे प्रोवाइड करते हैं, है ना. अभी हमारे सभी विलेजेस में मैक्सिमम इसमें हो गए ही है, वही है, वही हम समझते जा रहे हैं. सो इट द फ्लोर शुड बी 1.2 मीटर अबो द ग्राउंड लेवल. इम्परवियस मटेरियल, फ्लोर जो है वो इम्परवियस मटेरियल का रहेगा, कॉन्क्रीट का वगैरह या जिस भी मटेरियल का है, पानी अंदर परकोलेट नहीं होगा. इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, वेंटिलेशन अच्छा ही चाहिए. एक्सक्रीटा रिसेप्टेबल शुड बी ऑफ सफिशियंट कैपेसिटी सो एज टू होल्ड एटलीस्ट 24 आवर्स द एक्सक्रीटा यूरिन एंड एब्लूशन वाटर. जो जहाँ ये ह्यूमन एक्सक्रीटा यूरिन या एब्ल्यूशन यानी साफ सफाई का पानी कलेक्ट जहाँ पे हो रहा होगा वो कम से कम 24 घंटे उसकी कैपेसिटी होल्डिंग की रहना चाहिए. 24 आवर्स में जितनी क्वांटिटी आएगी दैट मच क्वांटिटी इट शुड होल्ड, उतनी कैपेसिटी का टैंक या वो सीट के नीचे अरेंजमेंट चाहिए. फिर ये बाहर निकाल पाइप से निकलेगा, सोकपिट में जाएगा या हमारा सेप्टिक टैंक होगा तो उसमें जाएगा. इट शुड रिमेन क्लोजली कवर्ड सो दैट फ्लाइज डू नॉट रीच देयर. जो भी ये अरेंजमेंट है ये कवर रहना चाहिए, वेल कवर्ड, और कोई मक्खियां नहीं आना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए. कंटेंट शुड नॉट बी विजिबल टू द यूजर, आंखों से दिखना भी नहीं चाहिए, गंदा लगेगा ना हमें. सो इट शुड नॉट बी विजिबल टू द यूजर एंड शुड हैव मॉडरेट कॉस्ट. सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका, क्योंकि हमारे विले एग्री इसमें है ना, रूरल एरिया में है, द पीपल आर नॉट दैट मच रिच एज कंपेयर टू द सिटी और द अर्बन एरिया, तो इसलिए उसकी कीमत कम रहना चाहिए, थोड़ी मॉडरेट कॉस्ट रहना चाहिए, है ना. गवर्नमेंट ने तो अभी तो वो चालू कर दिया है, गवर्नमेंट इज डूइंग इट ऑन इट्स ओन थ्रू द ग्राम पंचायत एंड द पंचायत समिति, बट द पीपल शुड टेक द एडवांटेज, ठीक है. वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रीवीज विच आर देयर, और उसमें से कुछ हमारे सिलेबस में क्या है वो हम पढ़ते जाते हैं. प्रीवीज यानी अगेन द टॉयलेट्स और द लैटरिन्स फॉर द रूरल पर्पस. दे आर द ट्रेंच और द अर्थ प्रीवी, पिट प्रीवी, बोर होल प्रीवी, पेल और कैन प्रीवी, कॉन्क्रीट वॉल्ट प्रीवी, एक्वा प्रीवी, केमिकल टॉयलेट, PRAI लैटरिन. These are the various privies. The choice of this out of this depends on the availability of water, position of groundwater. है ना, ऐसा ना हो
कि इसमें से परकोलेट होके वो पानी जमीन में जो ग्राउंड वाटर है अच्छे पानी को पोल्यूट करे, एंड अगेन इट विल स्पॉइल द वाटर फ्रॉम द नियर बाय दिस बोर होल, या जो आपकी हापसी वगैरह पंप रहता है या पास में एक आधा कुआ है उसमें ये पानी परकोलेट होके उसको खराब ना करे, ओपन वेल या बोर वेल, ठीक है ना। कि हमारे खेड़ों में अभी भी कई जगह पे वो हापसी टाइप है, बोर वेल टाइप, तो उसको नहीं, उसमें वहां तक पानी नहीं जाना चाहिए ये परकोलेट होके। अवेलेबल रिसोर्सेस एंड ह्यूमन बिहेवियर, जो भी हमारे पास में उपलब्ध बांधकाम साहित्य है उसका यूज होना चाहिए, और वहां पे लोगों का कैसा रहन सहन है उस हिसाब से ये सब जो हम बनाएंगे वो उस कौन सा इसमें से चूज करना वो डिपेंड रहेगा, ठीक है। द प्रीवी डिजाइन आप काय के ऊपर है, नाउ वी विल मूव इन टू अगेन इन डिटेल। द प्रीवी और द टॉयलेट डिजाइन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पर्संस एंड क्वांटिटी ऑफ एक्सक्रीटा, कितने लोग हैं घर में, या जिनके लिए हम ये टॉयलेट बना रहे हैं वो कितने लोगों के लिए है, और उस हिसाब से कितना एक्सक्रीटा उसमें प्रोड्यूस होगा। मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन, वेदर द डिकम्पोजिशन एरोबिक और एनारोबिक, जनरली ये एनारोबिक ही रहता है। सो मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन, वाटर अवेलेबिलिटी, पानी है क्या उपलब्धता, परमियाबिलिटी ऑफ द सॉइल, फिर से वो परकोलेशन टू द ग्राउंड वाटर टेबल एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग्स, परमियाबिलिटी ऑफ सॉइल, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंडीशन, है ना, कितना आर्द्रता है, धूप वगैरह है क्या, ग्राउंड स्लोप, जमीन को उतार कैसा है, टाइप्स ऑफ द स्क्वैटिंग प्लेट्स अवेलेबल, स्क्वैटिंग है ना टॉयलेट की जिसको प्लेट बोलते हैं, स्क्वैटिंग प्लेट जिसके ऊपर, स्क्वैटिंग है ना बैठक जो बोलते हैं, सो टाइप्स ऑफ द स्क्वैटिंग प्लेट्स अवेलेबल, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, स्किल्ड है कि अनस्किल्ड लोग है उस हिसाब से प्रोविजन, कल्चरल एंड रिलीजियस कस्टम, फिर से हमारी सांस्कृतिक और धार्मिक क्या है वहां पे प्रथा उस पर से, एंड लोकेशन ऑफ द एक्सक्रीटा डिस्पोजल साइट, और एक्सक्रीटा जो भी कलेक्ट होगा बाद में आफ्टर द डिपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन एक्सेट्रा, सो नियर बाय साइट इज अवेलेबल और नॉट, दैट वी हैव टू सी। नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रीवीज वी हैव लिस्टेड अबव, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रीवीज विच आर देयर इन अवर सिलेबस, हमारे जो सिलेबस में लिखा है जिसके ऊपर में एखादी नोट आ सकती है उसको हम पढ़ते जाएंगे। मैंने पहले ही आपको कुछ फोटोग्राफ और इसके माध्यम से बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीवी और द टॉयलेट और द लैटरिंस प्रोवाइडेड इन अवर रूरल एरियाज, हमारे जो खेड़े पाड़े हैं वहां पे किस टाइप से है। अब ये जो हमारे सिलेबस में है वो हम कुछ समझते जाते, दे आर वेरी सिंपल, है ना, दे है अगेन लुकिंग टू द अर्लियर स्लाइड, ऑल दोस पॉइंट्स वी आर कंसिडर्ड, देयर कॉस्ट, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन, द अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कमैन और द एक्सपर्ट पीपल देयर, है ना, वहाँ पे जो भी मिस्त्री वगैरह रहते हैं उनसे करवा लेना पड़ता है, कोई शहर से थोड़ी आते हैं। सो देयर फॉर द पिट प्राइवी और द प्रीवी और द टॉयलेट इज द फर्स्ट वन वी विल लर्निंग। पिट यानी खड्डा, कंसिस्ट ऑफ द पिट 1.3 मीटर बाय 1 मीटर, कंसिस्ट ऑफ द पिट यानी ये जो नीचे में 7 नंबर है, दिस इज द पिट, नीचे में खड्डा है एक जिसकी साइज है 1.3 मीटर बाय 1 मीटर इन प्लान, एंड 1.5 to 2.8 मीटर डीप, यानी प्लान में ये 1 मीटर, ऑलमोस्ट 1 बाय 1 मीटर, 3 फीट बाय 3 फीट और 3 फीट बाय 4 फीट, ये साइज का है, और इसकी डेप्थ जो है वो 1.5 to 2.8 मीटर है। एट द टॉप ऑफ दिस पिट, ये जो ये खड्डा जो है इसके ऊपर में, देर इज ए टेम्प, देर इज टिप इट द स्क्वैटिंग सीट इज प्रोवाइडेड इन कंपार्टमेंट। तो ये जो ऊपर में 3 नंबर जो आपको दिख रहा होगा आपके स्लाइड में, सो दिस इज द स्क्वैटिंग सीट यानी बैठक फॉर द पीपल टू सीट देयर फॉर देयर टॉयलेट एक्सेट्रा, है ना, थोड़ा सा गंदा लग सकता है हमें, लेकिन ये प्रैक्टिकल है, दिस इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ एंड अवर टीचिंग, सो देयर फॉर थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा हमें। तो
ये तीन नंबर जो है, इट इज द सीट और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्क्वैटिंग सीट, है ना। स्क्वैट, स्क्वैट यानी बैठक। एक्सरसाइज में हम स्क्वैटिंग करते हैं, तो स्क्वैटिंग सीट इज प्रोवाइडेड इन कंपार्टमेंट, यानी ये जो रूम है, ये जो टॉयलेट है, उसको एक सीट भी हम प्रोवाइड करते हैं। द सुपर स्ट्रक्चर इज टेम्पररी नेचर, ऊपर का जो भी है रूम जो भी है, दैट इज द टेम्पररी नेचर, विथ एसी शीट्स इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द पिट। ये जो खड्डा है जिसको हमने पिट प्राइवी बोला है, इसको क्लोज करने के लिए हमने एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनाया, छोटी सी रूम बनाया, है ना, जिसको हम टॉयलेट या लैटरिन करके बोलते हैं। ए लिटल अर्थ इज थ्रोन एवरी टाइम आफ्टर द यूज ऑफ द लैटरिन, है ना। ऐसा वो जमाने में करते थे, इट इज वेरी ओल्ड, कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लैटरिन और टॉयलेट उसके ऊपर माटी डाल देना, ऐसा बोला है। लिटल अर्थ इज थ्रोन आफ्टर एवरी यूज ऑफ द लैटरिन व्हेन द पिट इज कंप्लीटली फिल्ड, ये खड्डा पूरा जब भर जाता है, इट इज क्लोज फ्रॉम द टॉप बाय द 60 सेंटीमीटर थिक अर्थ लेयर एंड नीट न्यू पिट इज एक्सकवेटेड बाय साइड ऑफ इट। यानी एक बार ये खड्डा पूरा भर जाने के बाद में, विद द ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड ऑल द सलेज, ए न्यू पिट इज एक्सकवेटेड अगेन ऑफ द सेम साइज, विल हैव द सीट देयर। ऐसा अभी नहीं होता है, क्योंकि अभी हम तो एडवांस है थोड़े से, वी पुट मोर देन वन बोर, मोर देन वन सोक पिट एक्सेट्रा। बट इन अर्लियर डेज, इन द ओल्डन डेज, व्हेन द ऑल दिस वेस्ट वाटर टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट इज नॉट डेवलप्ड, इन दोज डेज द नंबर ऑफ पिट्स वेयर मोर एक्सकवेटेड, एंड आफ्टर फिलिंग द वन पिट और द पिट प्राइवी, द अनदर इज यूज्ड, ओके, एंड दिस कंटिन्यूज, एंड देन दिस पिट इज क्लोज विद द सॉइल ऑफ 60 सेंटीमीटर थिक अर्थ लेयर, एंड इट इज अलाउड टू डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया, और फिर आफ्टर सम 4 to 6 month दिस कैन बी रीयूज्ड फॉर द फर्टिलिटी और एज ए मैन्यूअर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिट प्राइवी। अब सम डिटेल्स अबाउट देम, द स्क्वैटिंग पैन अलॉन्ग विद द कंपार्टमेंट इज शिफ्टेड टू न्यू ट्रेंच, यानी ये इतना पोर्टेबल अरेंजमेंट है कि स्क्वैटिंग पैन यानी सीट और ऊपर का जो छप्पर और बाकी अरेंजमेंट है, इसको नए खड्डे पे ले जाएंगे अगली बार, नए खड्डे। ए 10 सेंटीमीटर डायमीटर पाइप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू टेक द फाउल गैसेस, ऊपर में जो 5 नंबर है फॉर वेंटिलेशन पर्पज, ए पाइप इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। दिस इज ए चीप, सस्ता है, एंड कंस्ट्रक्शन इज सिंपल, बट देयर विल बी सम बैड ओडर्स विच कैन बी रिड्यूस विद द यूज ऑफ द लाइम, ठीक है। चूना वगैरह डाल के इसका बास कम कर सकते हैं हम। टू अवॉइड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, द पिट शुड बी लोकेटेड एटलीस्ट 30 मीटर अवे फ्रॉम द वेल। ग्राउंड वाटर पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये खड्डा जो नियर बाय वेल है, वहां से कम 30 मीटर दूरी पे करना चाहिए। द कंटेंट ऑफ द पिट कैन बी टेकन आउट आफ्टर अबाउट कपल ऑफ मंथ्स एंड मे बी यूज एज द मैन्यूअर और द फर्टिलाइजर। एक्चुअली जो नेचुरल खाद जो होता है उसको मैन्यूअर बोलते हैं, और जो आर्टिफिशियल जो रहता है, जैसे यूरिया है, उसको फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो दिस कैन बी यूज्ड एज ए मैन्यूअर आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, दिस इज अलाउड टू डिकम्पोज विद अगेन एनारोबिक बैक्टीरिया और द फैकल्टेटिव बैक्टीरिया, एंड इट इज अ वेरी गुड मैन्यूअर एंड इट कैन बी यूज्ड एज ए मैन्यूअर फॉर इन एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक है। So this is again a cross section of that. Now we are moving into the next privy, that is called as the aqua privy. ठीक है, उसका ये cross section यहाँ बताया गया है. Again have the same view or vision with same with bit difference. One this is the upper enclosure. One that's 7 etc. One number 7 is the roof. But main purpose is two. दैट इज द स्क्वैट प्लेट, ये ऊपर में स्क्वैटिंग अरेंजमेंट और द जो बैठक जहां से ह्यूमन एक्सक्रीटा आएगा इधर नीचे में, एंड इट इज कलेक्टेड थ्रू दिस ड्रॉप पाइप 3 नंबर। एट द बॉटम देर इज ए टैंक और देर इज ए पिट
दिस पीट इज एनक्लोज्ड बाय दी ब्रिक मैसनरी एंड एट द बॉटम ऑल्सो सर्टन मैसनरी और कॉन्क्रीट वर्क इज बींग डन एंड ऑल दिस एक्सक्रीटल मैटर इज अलाउड टू सेटल हियर एंड द लिक्विड विच इज एट द टॉप सुपरनटेंट लिक्विड यू कैन से. सुपरनटेंट वर्ड कहाँ आया ये थोड़ा ख्याल कीजिए. इट इज टेकन आउट बाय द पाइप नंबर 5 ऑन द राइट साइड. ठीक है. एंड इट इज टेकन आउट एंड इट इज बींग पुट इन टू द सोक पिट्स. बाजू में और एक सोक पिट देंगे उसमें ऐसे छोड़ नहीं देंगे कूलर. एंड अगेन द सेम प्रोसेस दैट इट इज मेड ऑफ द कैपेसिटी. दिस बॉटम टैंक इज मेड ऑफ द कैपेसिटी सो एज टू होल्ड फॉर मोर देन 6 months और 1 year ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटा फ्रॉम द नंबर ऑफ ह्यूमन्स पीपल विच आर फॉर विच इट इज बींग डिजाइन. दिस इज ओवरऑल दी स्केच ऑफ द एक्वा प्रीवी. नाउ द कंस्ट्रक्शन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द सेप्टिक टैंक. है ना. अभी हम आगे में पढ़ने ही वाले सेप्टिक टैंक. सेप्टिक टैंक इज नथिंग बट अगेन ए टैंक विच कलेक्ट्स ऑल द एक्सक्रीटल मैटर फ्रॉम द हाउस थ्रू द टॉयलेट और लैटरिन एंड वेयर इन इट इज अलाउड टू डिकम्पोज बाय एनारोबिकली. ओके. एंड दैट डिकम्पोज मैटर इज लेटर ऑन टेकन ऑन एंड दैट सीवेज एट द टॉप और दैट सुपरनटेंट लिक्विड इज टेकन टू द सोक पिट. दैट इज इन शॉर्ट ए सेप्टिक टैंक. सो दिस इज कंसिस्ट ऑफ ए बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेप्टिक टैंक. इट कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टाइट टैंक एट द बॉटम ओवर विच द लैटरिन इज कंस्ट्रक्टेड. ठीक है. नीचे में ये वाटर टाइट टैंक है इसके ऊपर में ये लैटरिन बांधते हैं. द स्लज सेडिमेंटेशन ऑन द टैंक अंडरगोज एनरोबिक डाइजेशन. ठीक है. जो भी स्लज है जो नीचे में जमा होता है वो एनारोबिकली डिकम्पोजिशन उसका होता है. द एफ्लुएंट यानी जो सुपरनटेंट लिक्विड है ऊपर का जो एफ्लुएंट है नीचे में स्लज डिपॉजिट होगा. आफ्टर दिस एक्सक्रीटल मैटर एंड स्लज इज डिपॉजिटेड इन टू दिस टैंक. तो नीचे में स्लज होगा हेवियर मटेरियल ऊपर में दैट एफ्लुएंट इज देयर. दिस एफ्लुएंट इज टेकन आउट. एफ्लुएंट इज टेकन आउट एंड इज परकोलेटेड इन टू द ग्राउंड थ्रू सोक पिट और एब्जॉर्प्शन फील्ड नियर बाय. सोक पिट करेंगे हम 5 नंबर के पाइप से बाहर निकालेंगे. शोष खड्डा मराठी में बोलते हैं उसको. शोष खड्डा सोक पिट. सो थ्रू दिस सोक पिट इट इज बींग सोक्ड इन टू द ग्राउंड नियर बाय. अगेन इट शुड बी फार अवे फ्रॉम द वेल. पास पास में जो भी कुआ है मे बी ओपन वेल मे बी बोर वेल उससे दूर रखना है क्योंकि सोक पिट से फिर से पानी नीचे जाएगा. द डाइजेस्टेड स्लज इन टू दिस बॉटम टैंक आफ्टर बींग फिल्ड कंप्लीटली हैज टू बी रिमूव. तो वो हिसाब से ये बॉटम टैंक बनाया जाता है. वो साइज का बनाया जाता है. इट इज फॉर द कैपेसिटी फॉर द 6 month और 1 month 1 year और 1 साल के बाद में फिर इसमें का जो मैटर है स्लज उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं एंड फिर से रीयूज चालू हो जाता है. द ड्रॉप पाइप अटैच टू द स्क्वैट प्लेट इज मेड टू सबमर्ज इन द लिक्विड दस अवॉइडिंग बैड स्मेल. है ना. जो भी ये जो नीचे का 3 नंबर का पाइप है ड्रॉप पाइप जिसको बोलते हैं ये स्लज या ये एफ्लुएंट के नीचे के लेवल में जाएगा ऐसा रखते हैं ताकि कोई बैड ऑडर नीचे से ऊपर ना आए. अभी हमने जो हाउस प्लम्बिंग पढ़ा उसमें क्या ऐसा कौन सा एलिमेंट है कि विच डज नॉट अलाउ द बैड ऑडर टू कम इन टू अवर टॉयलेट्स इन टू अवर वाटर क्लोजेट्स और मे बी इन टू अवर हाउस ड्रेनेज और जो आता है बाथरूम में उसको हमने क्या बोला है ट्रैप करके बोला है ट्रैप अरेंजमेंट ट्रैपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ द ट्रैप्स वी हैव लर्नड. सो इंस्टेड ऑफ द ट्रैप्स दिस पाइप इज अलाउड टू सबमर्ज इन टू दिस सीवेज और दैट एफ्लुएंट एट द टॉप सुपरनटेंट लिक्विड सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी फाउल गैसेस एंटर इन टू द प्राइवी. एंड देयर इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ द वेंटिलेटर
नंबर सिक्स विच टेक्स आउट द बैड ऑडर फ्रॉम दिस बॉटम टैंक एट सम हाइट. ठीक है, सो दिस इज इन शॉर्ट अगेन ए वेरी नाइस. देन नाउ द सेम एक्वा प्रीवी स्क्वैटिंग पैन सबमर्ज्ड इन टू दिस सीवेज, स्लज इज सेटल्ड एट द बॉटम एंड द सुपरनटेंट लिक्विड और द एफ्लुएंट इज टेकन आउटसाइड एंड थ्रू ए पाइप इट इज टेकन ऑन द राइट साइड टू ए सोक पिट. ओके, और सोक पिट में सोक होगा और उसके भी यहां से कुछ इफ देर इज ए लिक्विड देर देर इट कैन बी टेकन आउट, कुछ रहता भी है बाहर और आता है एंड इट कैन बी देन लेफ्ट आउट ऑन सम नियर बाय स्ट्रीम एक्सेट्रा. ठीक है, सो दिस इज अगेन ए नाइस, अगेन ए वेंट पाइप, वेंटिलेशन पाइप इज देयर, नाइस स्केच ऑफ द एक्वा प्रीवी. ठीक है, एनारोबिक डाइजेशन चेम्बर आइदर मैसनरी और कॉन्क्रीट एट द बॉटम, स्क्वेटिंग प्लेट और स्क्वेटिंग पैन एट द टॉप, अगेन ए टेम्पररी क्लोजर एनक्लोजर विद द डोर, ए स्मॉल विंडो एट द बैक एंड द एसी शीट और मे बी ऑफ कॉन्क्रीट स्लैब. ठीक है, दिस इज इन शॉर्ट अगेन ए एक्वा प्रीवी और एक्वा टॉयलेट वेरियस टाइप्स. देन दो इट इज नॉट देयर इन अवर सिलेबस बट आई हैव शोन यू द बोर होल लेटरिन, है ना, ऐसे बहुत खोल खड्डा करके उसके ऊपर का लेटरिन है, जैसे हमने पिट प्रीवी पहले देखा था, बोर होल लेटरिन, बोर होल प्रीवी यू कैन से. देन देर इज पेल और द कैन प्रीवी, अगेन ए डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रीवी विच इज कॉल्ड एज द पेल और द कैन प्रीवी. एक कैन प्रोवाइड किया जाता है, उसमें से ये वेस्ट बाहर लिया जाता है फिर से. तो इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्जर्वेंसी सिस्टम, आजकल नहीं फॉलो करते हैं आप. फिर से कॉन्क्रीट, सम कॉन्क्रीट सच टैंक्स इज प्रोवाइडेड इंस्टेड ऑफ द मैसनरी एज वी हैव सीन लाइक द एक्वा प्रीवी. अगेन वेरियस टाइप्स ऑफ द पीआरएआई लैटरिन, एक गवर्नमेंट का जो है अभी वो दैट टू दिस सोक पिट्स एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड, दिस इज द पीआरएआई लैटरिन. ठीक है, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द लैटरिन. देर आर सर्टन केमिकल टॉयलेट्स ऑल्सो नाउ डेज, है ना, कुछ लोगों का ये प्रोजेक्ट भी रहता है आजकल. जो हमारे रेलवेज में वगैरह है, तो दे आर ऑल दैट ह्यूमन एक्सक्रीटा कलेक्टेड इज नॉट थ्रोन ओवर द रेल्स, रेलवे लाइन पे नहीं जाता है वो, इट इज कलेक्टेड एंड डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ अगेन द बैक्टीरिया, वेरियस टाइप्स ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया इट इज डिकम्पोज्ड. इट वॉज द प्रोजेक्ट ऑफ सम स्टूडेंट इन फाइनल ईयर, सम ईयर और अदर उनका ये प्रोजेक्ट था, तो उसको केमिकल टॉयलेट करके बोलेंगे. एसिड प्रूफ मेटल टैंक में कलेक्ट होता है, कॉस्टिक सोडा इज एडेड टू द वॉटर इन द टैंक, दिस स्टेबिलाईज द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटा. द टैंक हैज द कैपेसिटी ऑफ 600 लीटर्स, 10 kg ऑफ कॉस्टिक सोडा, 10 40 to 60 liters ऑफ द वॉटर, सच मिक्सर इज नाइट सॉइल इज लिक्विफाइड स्टरलाइज इन टैंक एंड पैथोजेंस आर डिस्ट्रॉयड. The spent chemical and accumulating liquid and solids are removed at frequent intervals and drained out. ठीक है, though it is not part of our syllabus, but just out of syllabus कुछ हमें ज्यादा की भी इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा मैंने ये ऐड कर दिया. ठीक है, सो द फर्स्ट पार्ट वी हैव फिनिश्ड, दैट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रीवीज एंड द प्रीवीज विच आर देयर इन अवर सिलेबस, इस बारे में हमने पढ़ा. Now we will move on to the next part, that is collection and disposal of the sludge from again villages, from the rural area. Sludge, everybody knows, is the wastewater from the bathroom, kitchen, house washing, washing of the clothes, etc. तो इसको कैसे डिस्पोज किया जाए? हम अभी क्या देखते हैं कि एक तो वो रोड पे छोड़ा जाता है या कहीं तो भी नाली से जाता है, उसके ऊपर मच्छर होते हैं, मक्खियां होती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. हम खेड़े में भी रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो वी हैव दी इट इज अवर राइट दैट वी शुड लिव लाइक ए ह्यूमन,
हमें भी अच्छे इसमें रहने का अधिकार है, तो उस हिसाब से नॉट ओनली वी यानी हम नॉट ओनली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने करना चाहिए, लेकिन ये हमारी भी जवाबदारी है कि थ्रू आवर ग्राम पंचायत एंड एवरीथिंग वी शुड गेट इट डन. सो देयर फॉर द कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ द सलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, है ना, अभी आप अगले साल फाइनल ईयर में जाओगे, मे बी इस बार आपने शायद मिनी प्रोजेक्ट में लिया है क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन सम ईयर बैक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैज टेकन द ट्रीटमेंट ऑफ द सलेज फ्रॉम अवर मोहगांव विलेज एज द प्रोजेक्ट. है ना, हमारा कॉलेज जिस खेड़े में है मोहगांव लग के, तो वहां का जो सलेज होता है कलेक्ट, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके या उसको कलेक्शन, कन्वेयंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रीटमेंट एंड रीयूज, रिसाइकल, ऐसा उनका प्रोजेक्ट था और उन्होंने वो अच्छे से किया था. कुछ स्टूडेंट थे उसमें से, अभी दे आर ऑल वर्किंग समवेयर और सम आर द कॉन्ट्रैक्टर्स, बट दे हैव डन इट वेरी नाइसली. सो सलेज, वी नो व्हाट इज इट, सो इट नीड्स टू बी ट्रीटेड, इट शुड नॉट बी थ्रोन अवे एज इट इज, दो इट डज नॉट कंटेन एनी एक्सक्रीटल रिफ्यूज, उसमें कोई ह्यूमन एक्सक्रीटा नहीं होता है, हेंस इट इज नाइदर वेरी डर्टी नॉर क्रिएट बैड स्मेल. समझ गए हो गया, वो गंदा नहीं रहता है उतना, ना उसमें से गंदी बास आती है. इट इज कलेक्टेड एंड डिस्पोज ऑफ बाय द फॉलोइंग मेथड्स. कैसा किया जाता है उसका कलेक्शन एंड डिस्पोजल, द वेस्ट वाटर मे बी लेड टू पिट्स इन विच एनिमल डंग एंड ड्राई रिफ्यूज इज ऑल्सो डम्प्ड, विल हेल्प इजी डिकम्पोजिशन ऑफ द वेस्ट रिफ्यूज एंड कन्वर्ट इट इंटू रिफ्यूज बाय कंपोस्टिंग. गांव खेड़े में का जो भी, जिसको हम एनिमल डंग बोलते हैं, शेण जिसको बोलते हैं, गोबर, तो वो जिस खड्डे में जमा किया जाता है उसमें ये पानी हम छोड़ सकते हैं, सलेज जो है, या जहाँ पे ड्राई रिफ्यूज है यानी झाड़ पाले का कचरा है, कड़बे कुटार का वेस्ट है, बहुत सारा रहता है, तो वो जहाँ कलेक्ट करते उसको मॉइस्ट रखने के लिए वी कैन लेट आउट दिस सलेज विच विल डिकम्पोज दैट वेस्ट रेफ्यूज इन प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर एंड द बैक्टीरिया एंड विल कन्वर्ट इन टू द कंपोस्ट मैन्यूअर, कंपोस्टिंग जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन. ठीक है, तो उसमें ये सलेज हमें काम करेगा, यूज में आएगा. वेस्ट वाटर मे बी कैरिड आउटसाइड द विलेज इन ओपन ड्रेन्स. आज तो ऐसे ही होता है कि शहर गांव खेड़े के बाहर खुले नाली से उसको ले जाते हैं एंड एडमिटेड इनटू नियर बाय नाला और नेचुरल वाटर कोर्स. और कहाँ छोड़ा जाता है, जो भी नाला है या नदी है पास में, उसमें ये सलेज छोड़ सकते हैं या छोड़ते हैं. वेस्ट वाटर मे बी यूज फॉर वाटरिंग ट्रीज और किचन गार्डन्स इन द हाउस. दिस सलेज कैन बी यूज फॉर द वाटरिंग ट्रीज और किचन गार्डन्स इन द हाउस और मे बी इन द विलेज. तो ये उन लोग बच्चों ने ये प्रोजेक्ट किया था कि ये सलेज पूरा गांव के बाहर लाना कलेक्ट करके एंड आफ्टर गिविंग इट ए बिट ट्रीटमेंट, कुछ भी उसको थोड़ा सा लाइम बोलो या सम डिस इन्फेक्शन या एनी एरेशन टाइप, और फिर उसको बगीचे में वगैरह उसको यूज करना. इफ द क्वांटिटी इज मोर इट कैन बी यूटिलाइज फॉर द फार्म वर्क इन ब्रॉड इरिगेशन. यदि पानी सलेज की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो इसमें हम इसको हम खेतों में भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कहने का मतलब है. नाउ द डिस्पोजल ऑफ द एफ्लुएंट अगेन विद द सेम थिंग, द एफ्लुएंट कमिंग आउट ऑफ द टैंक मे बी सेप्टिक टैंक मे बी सोक पिट, दैट इज वी कॉल्ड एज द सलेज और वी ऑल्सो कॉल्ड एज द सीवेज और द एफ्लुएंट इज माल ओडरस. उसको बास है भाई, वो सेप्टिक भी है और माल ओडरस है, कमिंग आउट ऑफ द सेप्टिक टैंक और फ्रॉम द सोक पिट इज ए सेप्टिक. सेप्टिक है ना, जिसमें सेप्टिक का मतलब शब्दशः ऐसा होता है कि इट कंटेन्स द पैथोजेनिक एंड द डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आफ्टर डीकम्पोजिशन ऑफ दैट सीवेज. इट्स कलर चेंजेस टू ब्लैक कलर एंड द लॉट ऑफ द ओडर इज प्रोड्यूस्ड, द
फ्लाइज आर प्रोड्यूस्ड, द मॉस्किटोज आर प्रोड्यूस्ड एंड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन. सो देयर फॉर दिस एफ्लुएंट नीडेड ए प्रॉपर डिस्पोजल. द फाइनल प्यूरिफिकेशन ऑफ द एफ्लुएंट एंड द रिमूवल ऑफ द डेथ पैथोजीन इज एफेक्टेड मेनली बाय द फॉलोइंग मेथड्स. फर्स्ट इज द सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम्स, सेकंड इज द अपफ्लो फिल्टर्स एंड थर्ड इज द बायोलॉजिकल फिल्टर्स. तीन मेथड से इसको डिस्पोजल डिस्पोज करते हैं हम. एक तो सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम में, जैसे कि हमने पहले में सीवेज डिस्पोजल में देखा था कि विद द हेल्प ऑफ द ओपन पॉन्ड्स, द एरेटिंग लगूंस एक्सेट्रा, तो वैसे ही सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम यानी खुले कहीं खड्डे में वगैरह छोड़ दिया जाए इसको विथ एनक्लोजर ऑफ द सॉइल. या सम अपफ्लो फिल्टर्स आर देयर, सम अरेंजमेंट इज देयर टेक्निकल, आर द बायोलॉजिकल फिल्टर्स दैट इज द ट्रिकलिंग फिल्टर्स एक्सेट्रा. विद द हेल्प ऑफ दैट दिस एफ्लुएंट कैन बी डिस्पोज ऑफ. दिस थ्री कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इन टू एब्जॉर्प्शन ट्रेंचेस, गार्डनिंग, natural waters, soak pits, soak wells, surface irrigation and last but not the least is the trickling filter. ये तीनों जो है soil absorption, upflow and the biological filters are etc. These are further subdivided into the absorption trenches. बागीचे में use कर सकते हैं, gardening में नेचुरल अच्छे क्वालिटी का है तो वो नदी या नाले में बहा भी सकते हैं नेचुरल वाटर्स, या फिर बड़े बड़े सोकपीट बना के शोष खड्डे जिसको बोलते हैं उसमें डाल सकते हैं. बिग सोक वेल्स लाइक द सोकपीट्स, बिग सोक वेल्स, या ड्रिप इरिगेशन सब सरफेस इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, सरफेस इरिगेशन को भी कर सकते हैं, या फिर बहुत गंदा है तो ट्रिकलिंग फिल्टर में उसको ट्रीटमेंट देंगे. सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट जो हमने देखा था, सेकेंडरी ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया. सो द फर्स्ट इज द सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम, है ना. इतना पढ़ के हम एकाधा थोड़ा और है, दो चार मिनट जितना होगा उतना हम कवर करेंगे और बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो दिस कंसिस्ट ऑफ द टू टाइप्स सॉइल एब्जॉर्प्शन सिस्टम, सीवेज पिट और द सोक पिट, डिस्पर्शन ट्रेंचेस. The soak pits or the dispersion trenches can be adopted in all porous soils where percolation rate is below 25 minutes per centimeter. ठीक है, यानी 25 मिनट में एक सेंटीमीटर पानी परकोलेट होगा नीचे, उसे परकोलेशन रेट करके बोलते हैं. तो इससे कम जहां पे है वहां पे हम ये soak pit या soil absorption system in which the soak pit or the dispersion trenches can be done. Trench yane khadda, dispersion yane spread kar, jahan hum wahan pe sewage dal ke disperse karte hain khadde mein, jiska main purpose percolation hota hai, infiltration of the sewage into the soil. So they can be adopted in all porous soils where percolation rate is below 25 minutes per centimeter and the depth of water table is 180 centimeter or more from the ground level. Jameen se kam 2 meter, 180 centimeter yani 1.80 meter isse niche hai, then we will go for the soil absorption system. Now the upflow anaerobic filters, it is submerged filter. What are these upflow anaerobic filters and then biological filters? Upflow anaerobic filters are nothing but like the soak pits, fields, soak pit filled with the boulders or the brick pads, etc. So it is a submerged filter. Yani ek gadda hai jisko baju se either with the masonry, ब्रिक मैसनरी, परफोरेटेड ब्रिक मैसनरी और द यूसीआर मैसनरी, ऐसा एक गड्ढा है, पिट है एंड इन विच द स्टोन मीडिया है ना. स्टोन मीडिया है ना, पत्थर के टुकड़े, ईंटों के टुकड़े, लार्ज साइज पेबल्स, कोर्स सैंड,
इज फिल्ड, सो इट इज सबमर्ज्ड विद द फिल्टर मटेरियल स्टोन मीडिया 0.6 to 1.2 मीटर डीप. ये जो फिल्टर है इसकी डेप्थ 1.2 मीटर डीप. द सेप्टिक टैंक एफ्लुएंट, यानी सेप्टिक टैंक से जो एफ्लुएंट निकलता है सुपरनटेंट लिक्विड इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस अपफ्लो एनारोबिक फिल्टर्स फ्रॉम द बॉटम. ये ऊपर से नहीं छोड़ते हम, इसको नीचे से छोड़ते हैं, है ना. नीचे से विथ फोर्स द वाटर कम्स और दैट सीवेज मटेरियल एफ्लुएंट कम्स अपवर्ड्स. ये जो खड्डा बनाया है शोष खड्डा फिल्ड विद द स्टोन मीडिया ब्रिक बैट्स एक्सेट्रा, इसमें बीच में हमने परफोरेटेड पाइप रखा है एंड थ्रू दैट पाइप द सीवेज इज कमिंग फ्रॉम द बॉटम. सो एफ्लुएंट इज इंट्रोड्यूस्ड टू इट फ्रॉम द बॉटम. द माइक्रोबियल ग्रोथ इज रिटेन्ड ऑन द स्टोन मीडिया मेकिंग पॉसिबल हायर लोडिंग रेट एंड एफिशियंट डाइजेशन. तो ये जो अंदर में स्टोन वगैरह है रखे हुए, दैट मीडिया अगेन ए फिल्म इज फॉर्म्ड अराउंड दैट मीडिया ड्यू टू दिस इनकमिंग सीवेज विच कंटेन्स द एनारोबिक बैक्टीरिया एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ द एनारोबिक बैक्टीरिया फिल्म रिजल्ट इन अगेन द डीकम्पोजिशन ऑफ द इनकमिंग सीवेज एंड देयर फोर इट्स हाई लोडिंग रेट और इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ द सीवेज इंक्रीजेस रिजल्ट इन एफिशियंट डाइजेशन दैट इज डीकम्पोजिशन. द बीओडी रिमूवल इज अबाउट 70%. द एफ्लुएंट इज क्लियर एंड फ्री फ्रॉम द ओडर एंड न्यूसेंस. यानी कोई ओडर नहीं है, कोई मक्खियां वगैरह नहीं होती है. हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलाइजेशन, लिटिल स्लज प्रोडक्शन, वेरी लो कैपिटल, कम खर्चे में होता है. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो एंड ए लो लॉस ऑफ द हेड. हेड लॉस जो है वो कम है इसमें, ठीक है. सो हियर वी विल टेक द ब्रेक. अपफ्लो एनारोबिक फिल्टर, बायोलॉजिकल फिल्टर्स यू आर वेरी वेल अवेयर, उसको ट्रिकलिंग फिल्टर ही है. यहाँ पे नीचे से हम फेंकते हैं पानी या सीवेज ऊपर में, ट्रिकलिंग फिल्टर में ऊपर से हम स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है. सो हियर वी विल टेक द ब्रेक एंड नेक्स्ट टाइम बिट रिविजन अलॉन्ग विद द बायोलॉजिकल फिल्टर एंड द सेप्टिक टैंक, various components of the septic tank, its design, etc., that we will go into. We will solve certain numericals.